हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे आकफेन एसेस बीट ड्राई सिरप की। फ्रेंड्स, आकफेन एसेस बीट ड्राई सिरप किन किन समस्याओं में यूसेस किया जाता है, इसका डोजेस क्या रहता है, इसका प्राइस क्या होता है और इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो देख रहे हैं आकफेन एसेस बीट ड्राई सिरप। इस ड्राई सिरप को जुबिडस हेल्थ केयर कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसका एमआरपी है फ्रेंड्स लगभग 60 रुपीज़। फ्रेंड्स, इस ड्राई सिरप को किसी भी मेडिकल स्टोर में या फिर ऑनलाइन में आसानी से बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 30 ml का पैकेट में आता है और ये ड्राई सिरप रहता है। फ्रेंड्स, इस सिरप के अंदर एमोक्सिसिलिन 200 mg दिया गया है और क्लावुलिनिक एसिड 28.5 mg पर 5 ml में दिया गया है। फ्रेंड्स, ये छोटे बच्चे के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, बच्चों का साइनेटिस हो गया है, बच्चों का गले में इन्फेक्शन हो गया है, बच्चों का खांसी है, बच्चों का सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया है, बच्चों का दांत में इन्फेक्शन हो गया है, बच्चों का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब में जलन होती है, उसके लिए भी इस ड्राई सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बच्चों का कान में इन्फेक्शन हो गया है, बच्चों का दांत में इन्फेक्शन हो गया है और बच्चों का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इन सारी कंडीशन में इस ड्राई सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बच्चों का स्किन में घाव हो जाता है, स्किन में फोड़ा होता है, उसके लिए भी इस ड्राई सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ड्राई सिरप है। बच्चों का निमोनिया होता है, बच्चों का खांसी रहता है, उसके लिए इस ड्राई सिरप को इस्तेमाल किया जाता है और साथ में बच्चों का बुखार रहता है, बुखार नहीं उतर रहा है, उसके लिए भी इस ड्राई सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस ड्राई सिरप को कितनी मात्रा में दिया जाता है। 2 साल के ऊपर के बच्चे के लिए 5 ml करके दिन में 2 बार खाने के बाद दिया जाता है और 5 साल के ऊपर के बच्चे के लिए 7.5 ml करके दिन में 2 बार खाने के बाद दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस सिरप का कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जैसे कि नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और स्किन में रैशेज आ सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ दिखाई दिया तो इस ड्राई सिरप को तुरंत बंद करें और इस सिरप को जब भी इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेकर ही इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इस सिरप को छोटे बच्चे से दूर रखें। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी आकफेन एसेस बीट ड्राई सिरप के बारे में। आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।